खान राजीब रहमान। जी सहल भाई, खान हाँ नहीं भाई है, भाई खंडकार। अच्छा रजीब। मोमिन है आप? दिखावा के लिए रह गया हाँ? मोमिन। मोमिन था, मोमिन नहीं है अब। अच्छा मोमिन थे, मोमिन नहीं है। कब तक थे मोमिन? लॉन्ग टाइम बिफोर, लाइक 2 इयर्स बिफोर एटलीस्ट। 2 years बस बिफोर। जो उसके दिया पहले दरुद इब्राहिम इटली सुना दे, आप दरुद इब्राहिम सुना दे यार। आप लोगों के साथ बात करनी थी जैसे, इसलिए जुड़ा साहिल और एडम भाई से। दरुद इब्राहिम सुना देना यार। और दरुद इब्राहिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अरे भूल गया, कुछ और सुना दू। थर्सडे को आना ना मेरी जान, थर्सडे को आना ना उन मुस्लिम स्ट्रीम में। आता है 10-12 सूरा अभी भी मेमोराइज है। अच्छा सूर्य असर सुना दे। सूरह असर व्हिच वन, बिकॉज आई हैव कंफ्यूज्ड विद द सूर्य नेम, यू असर नो। विच वन? सूर्य अच्छा असर पांच इज सूर्य सूर्य असर। कंटिन्यूअसली सुना दे भाई, पांच सूर्य कंटिन्यूअसली सुना दे। तुमने कहा कि 10 सूर्य याद है, ओके पांच सुना दो। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल इसको आलमीन, छोड़ के, इसको अर्रहमान छोड़ दे, रहीम। ये तो हिंदुओं को भी इसको आती है छोड़ यार। दे। ओके, कुल हाँ इसको छोड़ दे। हु अल्लाह वहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। नेक्स्ट। देन ओके, कुल ये भी हिंदुओं को आती या है बाय द अय्युहल वे। काफिरून, ला अबुदु मा तअबुदून, वला अंतुम आबिदून मा अबुद, वला अना आबिदु मा अबदतुम, वला अंतुम आबिदून मा अबुद, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। चलो पास पास एक पास बाव पास एक्स्ट्रा लगा दिया, लेकिन ठीक है पास तो पास अभी भी पास। 10-12 मुक्स्त है, मेमोराइज है। चलो बोलो बड़ा क्या कंफ्यूज बोलना विद है। द नेम। बोलना ये था, जस्ट आप लोगों के साथ कुछ बात करनी थी। मैं भी बांग्लादेश से हूँ, बट अभी भी ओके बांग्लादेश में नहीं हूँ। बट आई थिंक यू नो, यू नो आई यूज टू लिसन वन बांग्लादेशी गाई, आई थिंक दैट गाई नोज, व्हाट इज नेम, जाफर, ही नोज, ही इज फ्रॉम बांग्लादेश। বাংলাতে কথা বলো ভাই, ইংলিশ মারাই তুইব না। नहीं, अरे हिंदी में भाई बोलने के लिए बोलो भाई। भाई सभी 4,500 लोग आपको 4:30 बजे सुन रहे हैं, हिंदी में बोलो ताकि सबको समझ में आए। हिंदी बोल सकता हूँ बट नॉट फ्लुएंटली, यू नो, आई अंडरस्टैंड यू, हाँ बट नॉट चलेगा चलेगा, टूटी फ्लुएंटली। फूटी बोलो, दैट इज फाइन। टूटी फ्रूटी। आपको मैं पहली बार सुना था जयपुर डायलॉग में, तब से आपको मैं सुन रहा हूँ। ओके। साहिल भाई को, साहिल भाई को। बट मैं, यू नो, इस्लाम से थोड़ा थोड़ा दूर होता गया। एक बांदा था बांग्लादेश का, वो आप जर्मनी में रहता थे, उसको सुन के लॉन्ग टाइम बैक, 10 साल से सुन रहा हूँ उसको, अब नहीं सुनता क्या नाम ज्यादा। है? वो उसका नाम आतिफ, आसिफ आसाद नूर, मोहिउद्दीन। आसिफ नो, मोहिउद्दीन। आसिफ मोहिउद्दीन, अच्छा आसिफ मोहिनुद्दीन को सुन के आप इस्लाम से निकले। यार ये आसिफ मोहिउद्दीन। आसिफ आपके मोहिउद्दीन चैनल का मैंने में एक बड़ा बंदा नाम आया सुना था यार, बांग्ला, बहुत नाम सुना इसका। ये सिर्फ बंगला में काम करता है और किसी लैंग्वेज में नहीं करता। ना सिर्फ बांग्ला में काम करता है उसको। उसको मैं 10-12 साल से सुन रहा हूँ। वो ये भी स्टेम करता था बिफोर। सही ठीक आपके चैनल में आया था है। साहिल भाई, सानियुर रहमान करके एक लोग आया था, हाँ सनी रहमान आया था। वो मैं वो स्ट्रीम भी मैं देखा था। वो भी तो उसके पास अच्छा इंडिया में रहता है, बांग्लादेश में नहीं रहता। कितना फॉलो तो करते थे बस इस्लाम ये, पहले? ओह माय, फुल्ली आई तबलीग भी करता था बांग्लादेश में अच्छा जब हाँ हाँ रहता था। इस्लाम की तबलीग भी करते थे आप? तबलीग भी करता था, नमाज ओके भी फिर पढ़ता क्या था। हो गया उसमें सही ऐसा? सुनामी आ रहा साहिल का स्लोली मतलब स्लोली बहुत बहुत यही, बांग्लादेश से तो बहुत निकल रहे भाई। बांग्लादेश में बहुत, मेरे सर्किल में बहुत, यू नो, मानते नहीं है ये, व्हाट दे कॉल दिस, लॉट्स ऑफ बुलशिट हदीस, दैट्स व्हाई। बुलशिट। तो आपको क्या चीजें गलत लगी, कुछ बता सकते हैं? आपने आसिफ मोहिद्दीन साहब, मोहिद्दीन साहब का, मोहिउद्दीन, वो हाँ जब सबसे बड़ा खटका लगा था मेरे को सेक्स स्लेव के लिए, जो इतना बड़े ओके आदमी okay. को सेक्स स्लेव क्यों रखना था।
सेक्स के लिए। अच्छा एडम, ये जो सेक्स स्लेवरी है ये सच्ची में एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसको, दाग ऐसा है रसूलुल्लाह के कैरेक्टर पे कि इसको देख के ही कई सारे लोग इस्लाम छोड़ देते हैं। ये धुल नहीं सकते जितने जो मुल्ले मौलवी है, ये कितनी भी बोंगिया मार ले इसको डिफेंड करने की कोशिश करे, लेकिन ये एक ऐसा दाग है जो धुल ही नहीं सकता। कोई सरफ ऐसा नहीं है जो इस दाग को धुल दे। और काफी थी लाइक आयशा के साथ बिफोर इंटरकोर्स यू नो रसूलुल्लाह लाइक यूज्ड टू डू लाइक थाइंग और समथिंग लाइक दैट विद आयशा, यू नो उसके साथ शावर लेते थे उलंग होते लाइक लेंटा होके आयशा के साथ। सो ये सब सुन के मुझे ना खटका लगना शुरू हुआ। जे इतना बड़ा आदमी जो इस दुनिया के धरती के जिसके लिए धरती बनाया उन्होंने ये सब काम कर रहा है तो वो कैसे महामानव हो सकता है। सो ये स्लोली स्लोली आके बाहर आ गए। अभी भी दिखावा के लिए करता हो, लेकिन अभी आप बांग्लादेश में नहीं है बोले ना आप तो? ना ना, आई एम इन ऑस्ट्रेलिया। देन फिर क्यों अभी क्यों दिखावा करना पड़ रहा है? Because I have lots of family and friends here. अच्छा, तो वहाँ भी खतरा है, वहाँ भी खुल के नहीं बोल सकते बांग्लादेशी लोग? अरे खुल के बोल सकता हूँ, but problem हो जाती है, you know? So आपके साथ relation नहीं रखेंगे। अच्छा, okay. इधर भी आपको मालूम ही नहीं इधर किधर जमात, you know, the tablighi jamaat, I think more stronger than our country now. ऑस्ट्रेलिया में? Yeah. अच्छा? They spending millions and millions of dollars building a mosque. और गवर्नमेंट अलाउ कर रही है उनको? Yes. वाह भाई वाह, ऑस्ट्रेलिया तुम्हारा नेक्स्ट नंबर लगने वाला है। ये जो बेवकूफी आप लोग कर रहे हो, आपको मालूम नहीं है ना, जो लोग बांग्लादेश में कभी नमाज नहीं पढ़े इधर आके वो मौलाना बन गया। इतना ज्यादा चलती है तबलीग। नहीं, इट्स अ बैड साइन एक्चुअली। ये तो ऑस्ट्रेलिया के अपना बिगाड़ा करना चाहता है। सऊदी जैसा देश तबलीगियों को अलाउ नहीं कर रहा है और ये ऑस्ट्रेलिया इनको आगे बढ़ने दे रहा है। इधर हमारे पास भी मस्जिद है, इट्स अ बंगाली कम्युनिटी बिल्ट दैट वन दैट कॉस्ट देम मोर देन $2 million वन मस्क एंड ऑल दिस मनी कम फ्रॉम यू नो फ्रॉम डोनेशन एंड चैरिटी। पीपल इतना पागल है आज तक अभी भी। यार एडम, ये वेस्ट वाले कब सुधरेंगे यार? कितना इनको फटके खाने का है? लेट मी टेल यू समथिंग, मैं आपको इसकी बात बताता हूं। 9/11 हुआ, देखो एक बड़ी थिन लाइन है, एक थिन लाइन है बहुत जो कि क्रॉस की गई है, और यही मैं बात इंडियन लोगों को भी बोलता हूं कि यार थिन लाइन क्रॉस मत करो। थिन लाइन क्रॉस करोगे तो गेम खराब हो जाएगी। अब वो थिन लाइन कहाँ पे है? 9/11 का वाकया जिस वक्त हुआ और अफगानिस्तान के ऊपर जब अटैक हुए, सारा कुछ हुआ, आपको पता है आज से इट्स लाइक व्हाट 20-something years ago, राइट? 20-22 साल पहले एक सीन शुरू हुआ जहां पे वेस्ट में एंटी मुसलमान गेम शुरू हुई। एंटी मुसलमान जब गेम शुरू हुई तो मुसलमानों ने गेम डाली विक्टिम कार्ड, और वो बनता भी है क्योंकि हर मुसलमान जो है वो इस्लाम को अच्छे तरीके से अमल नहीं करता। चूंकि वो इस्लाम को अच्छे तरीके से अमल नहीं करता, वो एक नॉर्मल तरीके से रहता। आपके तकरीबन 70% मुसलमान एक मुसलमान कंट्री के अंदर भी नॉर्मल तरीके से रहते हैं, और वेस्ट के अंदर आपके 95% मुसलमान नॉर्मल तरीके से रहते हैं। लेकिन उस 95 के अंदर आपको बीच के अंदर जाओगे, उनके घरों के अंदर जाओगे तो आपको चुल नजर आएगी, मसले नजर आएंगे। मस्जिदों में चुल नजर आएगी, मसले नजर आएंगे, मेजरली आपको मसला नजर नहीं आएगा। अच्छा, अब आपके पास एक चीज आई, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटेरियंस, उन्होंने आगे कहा कि ये लोग जो एंटी मुसलमान लोग हैं ना, ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हैं।
वी हैव टू प्रोटेक्ट पीसफुल कम्युनिटी, और उन्होंने पीसफुल कम्युनिटी के साथ जुड़ना शुरू कर दिया विदाउट नोइंग इस कम्युनिटी को अगर उन्होंने सपोर्ट किया तो जो अनासर आएंगे इनकी कंट्री के अंदर वो इवेंचुअली इस कंट्री का सत्यानाश कर देंगे, जो कि इस वक्त यूके में हो रहा है, जो कि इस वक्त कनाडा में हो चुका है। यूके और कनाडा उस नहज पे पहुंच चुका है और अब उन्हें समझ नहीं लग रही कि इस पीसफुल कम्युनिटी को सही किस तरह करें। क्यों? जो ह्यूमैनिटी का नारा लगाने वाली कौम है वो आज भी नारा लगा रही है, जो पीसफुल कम्युनिटी है वो विक्टिम कार्ड आज भी खेल रही है, लेकिन पंगे हो रहे हैं क्योंकि वो इस कम्युनिटी का बेसिक एसेंस है। और वो होता क्या है, इंसाइटमेंट की जाती है बाय द 5%, और वो 5% उस इंसाइटमेंट के थ्रू एक खास टाइम के ऊपर एक खास एरिया में एक खास तरीके में ढेर सारी पंगे करते हैं और उसमें बाकी लोगों को भी ऐड करते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज, आपको पता ही नहीं लग सकता कि इस पीसफुल कम्युनिटी को मानने वाला कौन सा बंदा किस वक्त अपनी लेन चेंज कर ले। इस्लाम एक लेन की तरह है, 5 लेन की सड़क है, उसके अंदर हर कोई अपनी अपनी लेन में चल रहा है, लेकिन किसी को यह पता नहीं लगता किस वक्त ये वाला बंदा लेन चेंज कर लेगा, क्योंकि रहेगा तो उसी सड़क पे, इस्लाम की सड़क पे, लेकिन लेन कब सब चेंज करता है वो पता नहीं लगेगा। नाउ इवन इन इंडिया, मैंने कुछ बातें मेरे तक आई हैं, मैं उसको भी वेरीफाई वैलिडेट कर रहा हूं और मैं अपने चैनल के ऊपर चलाऊंगा इस चीज को, कि यहां पे भी एक खास गेम शुरू होगी जहां पे एंटी मुस्लिम पीपल खड़े हो रहे हैं। नाउ द प्रॉब्लम विद एंटी मुस्लिम पीपल इज कि होगा ये कि वो जो ह्यूमैनिटेरियन के एक्टर्स हैं ना वो यहां पे भी आ जाएंगे और सत्यानाश मार देंगे। अब आप देखें कि वेस्ट में इस्लाम फैला कैसे, कि आपने ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स ने मुसलमानों को जो इन्होंने गेम डाली ना ये विक्टिम कार्ड की, उसकी बेस के ऊपर माइग्रेशन शुरू करवा दी, इमिग्रेंट्स देना शुरू कर दिए, उसकी वजह से मसला क्या हो रहा है ये हम इस वक्त देख चुके हैं। सो अगर आप ये चाहते हैं कि इसका जड़ से सत्यानाश हो तो मुसलमान के अगेंस्ट नहीं खड़े हो, इस्लाम के अगेंस्ट खड़े हो। दीज आर टू वेरी वेरी फाइन लाइन है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दो लेन्स हैं जिसमें गाड़ियां चल रही हैं और उसके बीच में एक लेन डिवाइडर है। तो जब आपको ये काम करना है जो हम कर रहे हैं तो आपको उस डिवाइडर, लेन डिवाइडर जो है ना उसके ऊपर चल के करना पड़ेगा, क्योंकि ना आप राइट साइड वाले बंदे को बुरा कह सकते हो ना आप लेफ्ट साइड वाले बंदे को बुरा कर सकते हो। अगर बुरा कहोगे तो ऊपर बैठी हुई जो ऑर्गेनाइजेशन है सो कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियंस, वो आपके ऊपर गालियां निकालना शुरू कर देंगे, आपने एक बंदे को कैसे बुरा किया, एक ह्यूमन को कैसे बुरा कहा। आइडियोलॉजी को बुरा कह सकते हो, ह्यूमन को बुरा नहीं कह सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी गेम है और वेस्ट इसको समझ नहीं सकता, क्योंकि जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं साहिल साहब, उसमें मेजर ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन में कौन है पता? मुस्ले। अच्छा उसमें भी मुसलटे है। जब उसके अंदर मुसलटे बैठे हुए हैं तो आप मुझे ये बताएं कि हाउ इज इट पॉसिबल कि वो विक्टिम कार्ड को सही तरीके से नहीं खेलेंगे। ठीक है, ये भाई हमारे इधर पे 10 किलोमीटर में आपको 10 मस्जिद मिल जाएगा इस सिडनी में मैं जा रहा हूं। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द सो कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन एक्टर्स। नाउ अगर आप इंडिया में देखें, मेरे पास एक न्यूज आई है, मुझे इसकी अथॉरिटी इस वक्त इसकी ऑथेंटिसिटी का नहीं पता, इस वक्त नहीं पता है, मैंने इसीलिए अभी तक इस चैनल पे नहीं चलाई थी, हालांकि मेरा दिल बड़ा कर रहा था, लेकिन मैंने इसको अभी तक 100% वेरीफाई नहीं कर सका, मुझे इतना टाइम नहीं मिला। और लेकिन मैं अब दिखा देता हूँ, वेरीफाई बाद में करेंगे, ये अनवेरीफाइड है भाई, जियो ने चलाई है, तो जियो की जो है जो वीडियो इंडिया के खिलाफ हो मैं उसको फौरन एक्सेप्ट नहीं करता, लिहाजा चूंकि जियो है पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल है और इंडिया के खिलाफ वीडियो है तो मैं फौरन एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन मुझे अभी इसको वेरीफाई करना है। अगर किसी के पास किसी और चैनल की बड़ी वीडियो है तो जरूर भेज दे। इंडिया में एक स्कूल के अंदर एक मुसलमान बच्चे को एक टीचर ने हिंदू बच्चों से चपेट करवाई है। क्यों करवाई है, किस लिए करवाई है, आई डोंट नो, लेकिन बाद में माफियां शाफियां मांगी गई हैं, सारा कुछ हुआ है और उस बच्चे के पेरेंट को
पैसे वापस मिल दे दिए गए हैं स्कूल से और वगैरह वगैरह, ये कह रहे हैं झूठ है। अच्छा एनी हाउ, अभी झूठ है या नहीं है वो बाद में देखेंगे, मैं बाद में बताऊंगा। मैंने इसीलिए कहा है कि बाद में बताऊंगा कि झूठ है या सच है। नाउ इस किस्म के अगर इंसिडेंट फैलाए जाते हैं और जो कि ट्विटर पे भी फैलाए गए हैं, ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। होएगा क्या कि आपकी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो खड़ी होके आ जाएंगी, वो खड़ी होके आ जाएंगी, ओह इस्लामोफोबिया एंड अगेंस्ट मुस्लिम गेम। अब होगा क्या, आपके मुल्क की गेम खराब होएगी और यहाँ पे मुसल्टों को आप वेलकम करेंगे और आप उनके खिलाफ बोल नहीं सकेंगे। और मैं तो कहता हूं कि मुसल्टों के खिलाफ ना बोलो, यू हैव टू स्पीक अबाउट The ideology। और वेस्ट में यही हुआ है, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, यूके के अंदर, ये तीन कंट्रीज मेरी आंखों के सामने चेंज हुई हैं विद इन द लास्ट 20 इयर्स। ये तीनों मेरी आंखों के सामने बदली हैं विद इन द लास्ट 20 इयर्स। कहां से? 9/11 से गेम शुरू हुई है और वहां से बदली है। और कोई ये नहीं है कि लोग बड़ी तेजी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं, माई फुट जितनी देर से कबूल कर रहे हैं उतनी देर से बाहर भी निकल रहे हैं, लेकिन इमिग्रेशन हो रही है। आपके पास मैं आपको लोकेशन, यानी कि इतना बुरा हाल है इस वक्त कनाडा का, इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि आपकी सोच है कि आपको वहां पे एक खास इलाके में आपको केएफसी और मैकडोनल्ड जो है ना नॉन हलाल मिल ही नहीं सकता। तकरीबन 40 किलोमीटर के रेडियस में हर मैकडोनल्ड, हर केएफसी, हर पोपाए, हर मेजर रेस्टोरेंट आपका हलाल है। क्यों? मुसल्टे रहते हैं, नॉन मुसल्टे वैसे ही भाग गए वहां से। तो ये साहिल भाई, इस ये गेम एक ऐसी, अच्छा इस वक्त वो जो मर्जी कर लें आप पुट लें, वो उसको सीधा कर ही नहीं सक रहे। कैसे करें? अगर वो इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, सोशल इकोनॉमिकल कल्चर इन्होंने तबाह कर दिया, अब इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो टैबू बन गया, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं। अभी लास्ट ईयर मैंने अपने चैनल के ऊपर एक न्यूज चलाई थी, अमेरिका की एक बंदी है सेनेट की, क्या नाम है उसका, कमीला हारिस, उसने एक रूल पास कराने की कोशिश की है कि जनाब किसी भी रिलीजन के बारे में आप नहीं बोल सकते ओपनली। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो बाहर में चली गई, इस वक्त तो चलो रिजेक्ट हो गया है, वो बात ऊपर नहीं आई, रिजेक्ट में चलेगी सेनेट से जो भी होती है उनकी। लेकिन उसने एक दफा किया, इलहान उमर, थैंक यू सो वेरी मच वाई जे, इलहान उमर ने ये करवाने की कोशिश की। अच्छा आज पूरा नहीं कर सकी, 5 साल उसने फिर रिट कर देनी है, 10 साल बाद फिर रेट कर देगी, दे विल नॉट स्टॉप। एक वीडियो मैंने की थी इंग्लिश चैनल के ऊपर, उसका नाम था इन्वेजन्स ऑफ इस्लामिक इन्वेजन इन अमेरिका। उस वीडियो में मैंने वीडियो चलाई थी 1990s की, कि मुस्लिम स्कॉलर्स एंड स्पीकर्स ने क्या विजन दिया है अमेरिका में इन्वेड करने का। ये वीडियो चलाई थी उसामा डेकडॉग के साथ, ही इज द वन जो कि अमेरिका के अंदर सारी अपनी ये कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, चला रहा है, उसके थ्रू ये वीडियो बनवाई थी अंग्रेजी चैनल पे। साहिल उसमें जो जो उन्होंने कहा है 1990s में, जो जो कहा है एज इट इज उन्होंने पूरा किया है, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर और इंग्लैंड के अंदर और फ्रांस के अंदर और इस वक्त जर्मनी के अंदर कर रहे हैं। एवरी सिंगल थिंग जो उन्होंने कही है वो पूरी कर रहे हैं। यूट्यूब का सेंसरशिप का मेजर बंदा, ये जनाब ये चीज तो यूट्यूब पे चली है, क्या ये इस्लामिक है या नॉन इस्लामिक है, इस्लाम का तो सत्य है कि नहीं सत्य है, यासिर कादी बोलता है उसके बारे में। यासिर कादी वो मेन पे बैठा हुआ है, फेसबुक में मुसला बैठा हुआ है, यूट्यूब पे मुसला बैठा। भाई अगर हम इस्लाम के बात कर रहे हैं एक्स मुस्लिम, हमारी वीडियो को सही या गलत की स्टैंप कौन लगा रहा है? मुसला। अगर मुसला स्टैंप लगाएगा तो वो कैसे स्टैंप लगा देगा जी? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। तो इंडिविजुअल
क्रॉस एग्जामिनेशन है ही नहीं, एंड दैट्स व्हाट दे सेड। ये बात उन्होंने 1992 में बोली है, और वो मैंने उस वीडियो में चलाई थी, मैं वो उर्दू में करूंगा, अब मैं करूंगा उर्दू में, ये बात आ गई मेरे ज़हन में। आई रैन दिस वीडियो लाइक 4 years ago, वो मैं दोबारा करूंगा उर्दू में। इमेजिन जो जो बात उन्होंने की थी, उन्होंने कहा था एजुकेशन में, मीडिया पे, साहिल कैनेडा की किताबें जो पब्लिक स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं उनके अंदर आपको पता है जितनी जगह पे मोहम्मद का नाम आता है वहां पे लिखा हुआ है द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, द प्रॉफिट मोहम्मद, इट डजंट से मोहम्मद, इट सेज द प्रॉफिट मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड। क्यों भाई, व्हाई, जरूरत क्या है आपको? मैं एक बात इट शुड एक्चुअली किताबों कहना चाहिए द प्रोक्लेम्ड प्रॉफिट मोहम्मद ऑफ गॉड, अगर गॉड लगाना है, वरना लिखा जाना चाहिए इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद ऑफ अल्लाह, नॉट गॉड। ये कौन सी ट्रांसलेशन मार रहे हैं? अच्छा, एक जमाना था जिस वक्त आप गूगल ट्रांसलेटर में जब गॉड की ट्रांसलेशन करते थे तो आपको लिखा हुआ था इलाह या रब। अब आप गॉड को गूगल ट्रांसलेट में ट्रांसलेट करें, वहां पे लिखा हुआ आएगा अल्लाह। ये क्या बकवास है भाई? अल्लाह डज नॉट मींस गॉड, इलाह मींस गॉड, रब मींस गॉड। अल्लाह इज अ पर्सनल नेम ऑफ द गॉड ऑफ इस्लाम, वो तो इस्लाम के खुदा का पर्सनल नाम है। So they slowly, gradually changed things, बहुत हल्के हल्के तरीके के साथ, and it took them 30 years, और 30 साल में वो इस जगह पहुंच गए। 9/11 ने उनकी हेल्प की, कैसे हेल्प की? 9/11 हुआ किसी और वजह से, मैं तो कहता हूँ 9/11 करवाया गया इसी वजह से, इसी मकसद को पूरा करने के लिए, ताकि विक्टिम का खेला जा सके। Not because they want to destroy America, they did it ताके इस victim mentality को खेला जा सके, at the right moment, on spot, and they did exactly what they said in 1990s. तो मेरे जितने भी लोग हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखें, hate the ideology, not the person, line को cross ना करें, वरना फिर आपकी जो humanitarian organizations है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वो बड़ी सुभान अल्लाह, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, वो बड़ी सुभान अल्लाह, उनको पूरा अंब का पता नहीं है, वो सेक्युलर है। हाँ, एग्जैक्टली, वो सेक्युलर है और उन्हें अंब का पता नहीं है। जी सर भाई, नहीं नहीं, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि वजह क्या रही है, बहुत बहुत जबरदस्त एनालिसिस। बट इधर ऑस्ट्रेलिया में साहिल भाई दिन-दिन ज्यादा बढ़ रहा है, लाइक व्हेन आई केम टू ऑस्ट्रेलिया लाइक 14 साल बिफोर, मैं मेरे फ्रेंड के साथ गया था, एडम भाई आपकी पाकिस्तानी पीपल रहते हैं वो उधर ज्यादा है, इस प्लेस कॉल नेम इज रूटी हिल, सो आप लोगों में भी सुना होगा इस कॉल इस्तेमा, इस्तेमा है ना बांग्लादेश में, इस्तेमा होता है, वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज करते थे रूटी हिल में, आप वो दो दफा करते है, वो जगह नहीं दे पा रहा है, lots of people coming, like a thousands of people, and they, you know, during the Christmas time, when the Christmas holiday start, they start stay over there for 3 days, and there was, you know, last time I heard more than 10,000 people were gathered over there, Australia mein. Wow, it's called, Gojo, Bangladesh, Rooty Hill, most of the Pakistani people live in there, in Rooty Hill, वो जो बांग्लादेश में इस्तेमा होता है, इस्तेमा में उतना लोग नहीं आ सकते, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में भी अलग से इस्तेमा का तैयारी किया गया है। ऑस्ट्रेलिया वालों सुधर जाओ, नहीं तो बर्बाद कर देंगे ये लोग, थोड़ा सा होश के नाखून चबाओ। नहीं सर, वो नहीं ले सकते ना, वो नहीं ले सकते होश के नाखून, because the problem comes in ki aapke secular log aa jate hain. Ab sahil problem pata kya hai, problem ye hai ki
सिक्युलर्स ने इस्लाम को पढ़ा नहीं, उन्होंने पढ़ना नहीं, ठीक है, उन्होंने पढ़ना नहीं, टाइम उनके पास आई नहीं कि पढ़े। अब वो सेक्युलर क्या है, तुम लोगों ने मुसलमानों को गलत कैसे, मुसलमानों को गलत कैसे कह दिया भाई? इसलिए कहा कि उनकी किताब में लिखा है। किताब कौन पढ़ता है? किताब तो हमने कभी नहीं पढ़ी। अरे भाई तुमने नहीं ना पढ़ी। अब बात यह है कि फिर आप हर बंदे को ना एक ही तराजू में नहीं तोल सकते हैं। दैट्स द होल आइडिया। आप देखिए जब दुकान पे भी आप सेब लेने जाते हैं तो दुकानदार भी जो होता है ना अच्छे सेब एक तरफ कर देता है और जो जिनपे दागी सेब होते हैं साइड पे कर देता है। और दागी सेबों की वैल्यू फर्क होती है और अच्छे सेबों की वैल्यू फर्क होती है। दिस इज द सेम थिंग। जिस दिन आप ये कहना शुरू कर दिया ना हर मुसलमान, वहां पे गेम खराब हो जाती है। और फिर वहां पे आ जाता है, अरे तूने ये सारे सेब एक ही कीमत पर कैसे दे रहा है? इसमें तो दाग है, इसको निकाल, इसमें दाग है, इसको निकाल। मुझे तो कीमत ले रहा है 200 रुपए किलो और ये दाग वाला सेब दे रहा है। सी इट्स द सेम थिंग यार, प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड करें सारे के सारे लोग। ये सेम चीज है जो आप अपनी रूटीन में करते हैं, सिर्फ अब उसको जो है ना बड़े लेवल पे देखना शुरू कर दें। अगर आप दागी सेब और सही सेब, दाग सेब जिसमें सेब में दब लग जाती है, काला हो जाता है, वो वाला सेब और सही वाला सेब आप एक कीमत पे नहीं लेते, सेम उसी तरीके से आप सब मुसलमान नहीं कह सकते। यू कैन नॉट से दैट। हाँ, आप इस्लामिक आइडियोलॉजी कह सकते हैं, बिकॉज देन यू हैव आइडियोलॉजिकल डेटा टू प्रूव और आप उसे प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हर मुसलमान ये स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। इसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप ये नहीं कह सकते हर हिंदू किसी भी काम के लिए, हर एथियस्ट, सेम इज द केस, आप हर मुसलमान नहीं कह सकते। दिस इज वॉट वी से एवरी टाइम के भाई आइडियोलॉजी को एक्सपोज करो, आइडियोलॉजी पे सवाल उठाओ, सीधा डायरेक्टली हिट करो स्क्रिप्चर को, इस्लाम को सीधा हिट करो, टारगेट करो, उसकी बातें बताओ। हर जो भी इंडिया, दिस इज व्हाट वी ऑलवेज से, वो अरब से ज्यादा अरबी हो जाती है, जुब्बा पगड़ी। थोड़ा जोर से बोलिए रजीब साहब। जो भी इंडिया बांग्लादेश और पाकिस्तान से इधर आते हैं ना, वो अरबों से ज्यादा अरबी है, तो जुब्बा पहन के घूरते हैं यू नो बाहर। नकली अरब। आई नेवर सी यू नो अरब पीपल वेयरिंग ए जुब्बा हियर। सही। तो खान रजीब साहब, ये बड़ा जबरदस्त हो गया कि आप इस कल्ट से बाहर निकल गए, और बेस्ट पार्ट ये है कि आप बांग्लादेश में भी नहीं है, तो ठीक है थोड़ा बहुत दिखावा करना पड़े, लेकिन एटलीस्ट आप सेफ तो है। बस फैमिली, दैट्स अ गुड थिंग। बीवी के लिए, मेरे बेटी है, बेटी के लिए, अदरवाइज देयर विल बी प्रॉब्लम यू नो, दैट्स व्हाई। अदरवाइज नो 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 प्रॉब्लम। मेरे बीवी कुछ अंडरस्टैंड करती है, बट फिर भी उसके सामने मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ, सो भड़क जाती है। तो निकालो, उनको भी निकालो, कोशिश करो। कोशिश तो करता हूँ, उनको भी और मेरे सिस्टर भी इधर है, बट कुछ नहीं सुन सुन सकता है ये लोग, यू नो। कुछ मत बोलो, एटलीस्ट बेटी को निकालो आप, अगर वाइफ नहीं भी सुन रही है, बेटी तो इधर जन्म जनरेशन है, वो मोमिन ना रहे। अरे भाई इधर का ना सिचुएशन डे बाई डे बहुत खराब हो जाती है, विशेषकर हमारे कम्युनिटी में, इंडिया पाकिस्तानी कम्युनिटी में, दे लोग ज्यादा यू नो भाग रहे हैं इसके पीछे, वो लोग ज्यादा मुमिन हो रही है स्लोली स्लोली। आपको अंदाजा नहीं है इधर कितनी मस्जिद है, एवरी आफ्टर 5 or 10 किलोमीटर यू गो यू फाइंड ए मस्जिद हियर इन सिडनी। सही। लेट्स सी ये आगे क्या उसका इफेक्ट आता है, और जैसे कि हमने कहा कि, और एडम साहब ने बताया भी कि क्यों इस तरीके से हो रहा है, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू सो वेरी मच खान रजीब रहमान साहब जुड़ने के लिए और अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। आपके साथ बात करना था इसलिए जुड़ा था, बट 2 साल से मैं आपको जब पहली बार देखा जयपुर डायलॉग पे, उसके बाद से आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपको और एडम भाई को, सो आपके साथ बात करनी थी इसलिए जुड़ा था। बहुत अच्छा किए खान, के एच
रजीब रहमान भाई के लिए एक गुलाब का फूल भेज दे। खंदकार, हाँ केएच, केएच मैंने इसी वजह से चेंज किया, केएच रजीब रहमान साहब के लिए एक गुलाब भेज दे। थैंक यू, ओके साहिल भाई, चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।